हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि ये सेल एट कॉस्ट का हॉल है, मोस्ट अवेटेड वीडियो मेरे चैनल पे, जिसकी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट होती है। तो मुझे कल ही ये सारे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं एंड आज मैं शूट कर रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि हॉल शेयर करो, हॉल शेयर करो। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि सेल एट कॉस्ट बहुत ही अफोर्डेबल ऐप है एंड यहाँ पे अभी पेमेंट जो है वो 26 फरवरी से जो है स्टार्ट होगी। पेमेंट ऑप्शन अभी उन्होंने स्टार्ट नहीं किया है। सो पहले मैं डिटेल्स दे देती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे है। तो मैंने अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हुए हैं, 4000 रुपीज़ के प्रोडक्ट्स, बट उसमें से कुछ थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स वो मुझे सेंड करें। तो अभी मेरे पास 11 प्रोडक्ट्स हैं और इनका प्राइस है, अगर उस ऐप पे देखा जाए तो आई थिंक 600-700 समथिंग इसका प्राइस है। और इस जितने भी टैक्सेस वगैरह ऐड करके, बहुत सारे टैक्सेस लगे हैं उनको सेंड करने में एंड शिपिंग चार्जेस, ये सब कुछ ऐड करके उनको टोटल पड़ा है ये 1500 रुपीज़ का। और क्योंकि बहुत ह्यूज पैकेज था तो 1500 रुपीज़ लगे हैं एंड ई कॉम एक्सप्रेस से उन्होंने मुझे प्रोडक्ट्स सेंड किए थे। तो घबराने की बात नहीं है कि इतनी ज़्यादा शिपिंग एंड ऑल लग रही है। तो इसमें है दो ऑप्शन कि आपको, जैसे अगर आपने अली एक्सप्रेस में लिया हो तो आपको पता होगा कि दो ऑप्शन होते हैं, एक होते हैं इंडियन पोस्ट से, एक होते हैं अलग अलग होते हैं, सबके अलग अलग प्राइस होते हैं, लाइक $20, $30, $5 हर एक अली एक्सप्रेस पे होता है। तो इस पर भी दो ऑप्शन है। तो अगर इंडिया पोस्ट से आप अपना प्रोडक्ट मंगाओगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे आपको किससे प्रोडक्ट चूज मंगवाना है। तो अगर आप इंडिया पोस्ट से मंगवाओगे तो आपको पे करने पड़ेंगे आई थिंक 100 something rupees शिपिंग चार्जेस ओनली, कोई टैक्स वैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ शिपिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एंड वो पे करने के बाद आपको जो प्रोडक्ट्स हैं वो 20 से 30 days, मतलब 1 month लग सकता है, 3 weeks से 1 month लग सकता है आपको प्रोडक्ट्स रिसीव होने में। क्योंकि इंडिया पोस्ट ऑब्वियसली बात है गवर्नमेंट का काम है, बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे आते हैं उनके प्रोडक्ट्स। तो इंडियन पोस्ट से अगर आप लोगे तो इतने दिन में मिलेगा। और अगर ई कॉम एक्सप्रेस से लोगे आप, जो जिससे उन्होंने मुझे सेंड किए हैं प्रोडक्ट्स, इससे आपको मैक्सिमम मैं बोल सकती हूँ 8 से 9 days लगते हैं मैक्सिमम। सो 16 को ही मेरे पास प्रोडक्ट्स आ चुके थे और आई थिंक इन्होंने 9 या 10 January को शिप किए थे प्रोडक्ट्स। तो यू कैन सी बहुत जल्दी आ जाते हैं। और अगर मैं बोलूँ कि 1500 rupees आपके लगे हैं इन प्रोडक्ट्स में, तो 1500 rupees भी जो लगेंगे वो अगर आप दूसरी ऐप से देखोगे, लाइक क्लब फैक्ट्री से अगर आप कंपेयर करोगे, तो ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, भले ही क्लब फैक्ट्री पे फ्री शिपिंग है, बट जो प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाऊंगी उनका अगर टोटल करें तो वो क्लब फैक्ट्री पे 3300 rupees का, जो कि टोटली हाफ है। अगर आप टैक्स शिपिंग सब कुछ ऐड कर दो तो भी आपको 1500 rupees के सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे कि उन्होंने ऐप में भी बता रखा है कि 50% चाहे कुछ भी हो, चाहे कितनी भी शिपिंग ऐड हो जाए, टैक्सेस ऐड हो जाए, दूसरी ऐप से 50% ऑफ पे ही आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। 26 फरवरी से ऑन होगा एंड लेट्स स्टार्ट विद दी हॉल। और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का एंड ऐप का, तो आप दोनों ही चेकआउट कर सकते हो और अपने ऐड टू कार्ट में प्रोडक्ट रख सकते हो। और इंडियन पोस्ट से भी मंगा सकते हो आप, इंडिया पोस्ट से, तो उसमें आपके कुछ थोड़ी सी शिपिंग लगेगी, बस थोड़ा वेट करना पड़ता है, जैसे कि हमें अली एक्सप्रेस में वेट करना पड़ता है सामान के लिए वैसे ही। और प्रोडक्ट्स जो है वो रिसीव हो ही जाएंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो या सो लेट्स स्टार्ट विद दी हॉल। तो कुछ 11 प्रोडक्ट्स हैं और 2 या 3 दिन में और हॉल आने वाले हैं, क्योंकि मुझे और जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो भी रिसीव होने वाले हैं। सो अभी तो 11 प्रोडक्ट्स हैं, नेक्स्ट हॉल में आई थिंक 15 से 20 प्रोडक्ट्स हैं। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं, वो उसके लिए भी आप वेट करना। तो सबसे पहले जो सबसे क्यूट और अच्छा प्रोडक्ट जो लगा वो मुझे ये बॉटल लगी, और ये ऐसे इस टाइप की पैकेजिंग में आपको प्रोडक्ट्स रिसीव होंगे। सो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है ये, इसका नेम है बो नॉट कैंडी ट्विस्ट कप एंड ये बहुत टाइम से मैं लेने का सोच रही थी और ये क्लब फैक्ट्री पे है 450 रुपीज़ का। तो और इस पर आपको ये 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लाइक सब लोग एक्साइटेड थे कि इसकी क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो अगर आप देख सकते हो एंड मैं इसको प्रेस करके दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल भी प्रेस नहीं हो रहा है, इफ़ यू कैन सी, बिल्कुल भी नहीं दब रहा है, बहुत ही फाइन क्वालिटी है इसकी। एंड ये कुछ ट्विस्ट डिज़ाइन में है एंड मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम से लेने का सोच रही थी एंड फाइनली मैंने ले लिया एंड दिस इज सो क्यूट। इसमें आई थिंक 2-3 कलर ऑप्शन थे आई थिंक, तो मैंने ये पिंक वाला चूज़ किया। एंड इसकी क्वालिटी मैं दिखा देती हूँ, स्ट्रॉ बिल्कुल भी बेंड होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी बेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे बो लगा हुआ है, इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड देन ये कैप, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फर्स्ट है ये प्रोडक्ट एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये 100 रुपीज़ का है, बिल्कुल परचेज़ कर सकते हो इसको आप
एंड या मैं तो इसको डेकोरेट करके अपने रूम में रखने वाली हूँ बिकॉज दिस इज सो ब्यूटिफुल. उसके बाद नेक्स्ट है ये कार्डिगन एंड ये वी शेप कार्डिगन है और ये वन साइज था इसमें और इसका प्राइस था 180 रुपीज़ ओनली. तो ये रेड कलर का है, बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा कपड़ा है एंड कलर इज़ लाइक वेरी ब्राइट एंड लाइक ये एस और एम वालों को आ जाएगा, उससे ज़्यादा वालों को नहीं आएगा. तो कुछ इस टाइप का है, वी नेक में है एंड यहाँ पे बटन्स भी दिए हुए हैं. इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ऐसे बटन्स भी दिए हुए हैं वी नेक के बाद. उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट है इसका स्टफ. उसके बाद है ये एक पिकाचू का स्लिंग बैग एंड ये मैंने अपनी ऐसी कज़न के लिए लिया है, छोटी सी बच्ची है. सो ये कुछ इस टाइप का है स्लिंग बैग एंड बहुत ही क्यूट लग रहा है और ये आई थिंक 100 something का था. बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इफ़ यू कैन सी एंड या अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट है एंड यहाँ पे पिकाचू बना हुआ है, पिका पिका. फोर्थ प्रोडक्ट है ये हेयर बैंड एंड ये है लीफ हेयर बैंड एंड मेटल की है ये. ओके सो ये कुछ इस टाइप का है. सो आप इसको पार्टी फंक्शन में बहुत इजीली वेयर कर सकते हो एंड ये ऐसे मेटल का है तो अगर आपकी गोल्डन ड्रेस हो तो उसके साथ ये बहुत अच्छा लगेगा एंड कुछ उस टाइप की लीव्स बनी हुई हैं. सो क्वालिटी इसकी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है मेटल की, बिल्कुल भी बेकार मेटल नहीं लग रहा है. देन ये चोकर एंड ये भी मैं बहुत टाइम से लेने का चाह रही थी बट ये इसका प्राइस था किसी और ऐप्स पर अगर आप देखो तो 120-130 था बट इस पर ये मिल गया था मुझे ओनली 20 या 30 रुपीज़ का. एंड इसको आप कुछ इस टाइप से पहन सकते हो तो मैं इसको अपने किसी न किसी वीडियो में आपको ज़रूर वेयर करके दिखाऊंगी. बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही लाइट वेटेड है. सो कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है इसमें एंड इसका प्राइस था ओनली 30 रुपीज़. नेक्स्ट है ये इयररिंग्स एंड ये बो टाइप इयररिंग्स है और ब्लू कलर की हैं. लाइक बो में ज़्यादातर ज्वेलरी आपको ब्लू ही मिलेगी एंड ये ऑक्सीडाइज में है, सिल्वर ऑक्सीडाइज में. सो ये कुछ इस टाइप के हैं एंड बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और इसका प्राइस था ओनली 30 रुपीज़. सो बिल्कुल आप इसको ले सकते हो, क्वालिटी आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी एंड लाइट वेटेड है, ज़्यादा हैवी भी नहीं है. नेक्स्ट मैंने ये सॉक्स लिए थे एंड इसका प्राइस था ओनली 12 रुपीज़ एंड एंकल लेंथ सॉक्स है ये एंड ग्रीन कलर के हैं. तो बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे, आप कलर चूज़ कर सकते हो आपको कौन से कलर की सॉक्स चाहिए. एंड बहुत ज़्यादा मोटे नहीं बोलूँगी मैं ये सॉक्स हैं बट पतले भी नहीं हैं अगर आप देख सकते हो. तो कुछ इस टाइप का है इसका मटेरियल, बहुत ही अच्छा कॉटन का है एंड या अच्छे लगे मुझे ये सॉक्स. क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब सबकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, किसी की भी चीप नहीं है. अगर बहुत लोग बोलेंगे कि चीप प्राइस है तो क्वालिटी बेकार होगी, बिल्कुल भी नहीं. 12 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा लगा मुझे ये सॉक्स. नेक्स्ट है ये गार्लिक स्लाइसर और इस इधर आपको गार्लिक डालना होता है, इसको रखना होता है और इसको ऐसे ऐसे करना होता है. तो अच्छा रहेगा अगर जैसे छोटे छोटे गार्लिक होते हैं उसको ऐसे घिसने में हमारे फिंगर्स भी कभी कभी ख़राब हो जाते हैं. तो ये बहुत अच्छा है और ये आई थिंक 10 से 15 रुपीज़ समथिंग का था और इसकी क्वालिटी भी लाइक अच्छी है. अगर आप देख सकते हो तो ये बेंड नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे करके इसको यूज़ करते हैं गार्लिक यूज़ करने के लिए. तो आप अपनी मम्मा को बिल्कुल ये प्रोडक्ट दे सकते हो, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगी इसे देख के क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है एंड ओनली 10 से 15 रुपीज़ में है. तो आप बिल्कुल ले सकते हो. नेक्स्ट है ये स्पून एंड ये कॉफ़ी स्पून है और यहाँ पे कुछ इस टाइप का डिज़ाइन है. ये रैंडमली आना था कोई भी कलर और ये बहुत ही स्मॉल है क्योंकि ये कॉफ़ी स्पून है तो कॉफ़ी स्टोर करने के लिए अच्छा रहेगा या आपको कुछ छोटा छोटा खाना हो कम कम तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा. और इसका प्राइस था 12 रुपीज़ ओनली. सो या ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे. नेक्स्ट है ये मेंस की बेल्ट एंड इसकी क्वालिटी मुझे ओके ओके लगी क्योंकि जो लेदर है वो ठीक ठाक है. लाइक 53 रुपीज़ में अगर मैं बोलूँ तो 53 रुपीज़ की है ये, 53 रुपीज़ के हिसाब से ठीक है. यहाँ पे ऐसे बकल की भी क्वालिटी अच्छी लगी मुझे एंड ये है बेल्ट. तो जो बेल्ट का साइज़ है वो मैं बोलूँगी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ओके ओके प्रोडक्ट है. नेक्स्ट एंड लास्ट जो 11th प्रोडक्ट है वो है ये गार्बेज बॉक्स कह सकते हो आप किचन के लिए, जैसे कि हम किचन ओपन करते हैं अपने नीचे के ड्रॉर्स तो उसके अंदर आप इसको अटैच कर सकते हो और इसके अंदर आप गार्बेज रख सकते हो एंड यहाँ से आप ऐसे उसको ड्रॉर के अंदर डाल सकते हो एंड बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब यूजफुल प्रोडक्ट है ये एंड या अच्छा लगा मुझे ये गार्बेज बॉक्स भी. तो ये थे कुछ 10 to 11 प्रोडक्ट्स जो कि मुझे अभी रिसीव हुए हैं और 2 से 3 दिन बाद मुझे अपना एक और पैकेज रिसीव हो जाएगा तो उसकी भी वीडियो आ जाएगी. तो प्रोडक्ट्स जो हैं चीप हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइसिंग बहुत कम है बट अगर आप इंडिया पोस्ट से लोगे तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना पड़ेगा, ओनली शिपिंग पे करनी पड़ेगी 100 से 200 समथिंग जो कि बहुत कम है. अगर आप ज़्यादा सामान ले रहे हो तो उसके लिए आप
इतनी शिपिंग तो पे कर ही सकते हो क्योंकि चाइना से सामान आने वाला है। और सेलेक्ट कॉस्ट की मैंने और भी वीडियोस शेयर करी हुई है इन्फॉर्मेशन वाली, जिसमें कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लॉगिन करने में और बहुत चीज़ें क्वेश्चंस हैं, तो 3 वीडियो है मेरी इन्फॉर्मेशन वाली, तो मैं वो भी लास्ट में इंसर्ट कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आप देखना चाहते हो क्या ऐप है, क्या है, कैसे है, तो आप उन वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय।